नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माई पैसन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि रेड एग्लोनमा लिपस्टिक एग्लोनमा को कैसे आप प्रोपागेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लांट है जिसको हम चाइनीज एवर ग्रीन भी कहते हैं, और ये बाजार में 150 से 400 तक बिकते हैं। बहुत कॉस्टली प्लांट है, लेदरी प्लांट है, बहुत कलर होते हैं। इसके कलर के सामने आप देखें कि इसमें लिपस्टिक एग्लोनमा क्यों कहते हैं। इसके जो सामने के जो पोर्सन है वो लाल है, जैसे होठों में लाली लगी है, लिपस्टिक लगी है, इस तरह के ये कलर होते हैं। इसके लाल कलर भी होते हैं। ये ट्रॉपिकल प्लांट या सब ट्रॉपिकल प्लांट माने जाते हैं। ये बहुत अच्छा ग्रो करता है, बहुत आसान है ग्रो करना, और आप इसको ग्रो करके, कटिंग करके, आप आसानी से ग्रो करके हजारों के या लाखों कमा सकते हैं आप। बहुत अच्छा तरीका है ये, तो आप ज़रूर से आप अपनाइए, और आप मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। और ये काफ़ी लो लाइट में ग्रो करता है ये, और इसको आप ज़्यादा धूप में नहीं रखें, धूप ये बिल्कुल पसंद नहीं है इस प्लांट को। और मैं आपको बताऊंगा तीन तरह के इसकी कटिंग की जाती है। पहले तो इसकी क्या कटिंग करते हैं, डिवीजन से कटिंग कर सकते हैं, दूसरा इसे टीप से कटिंग कर सकते हैं, तीसरा इसका स्टेम से कटिंग कर सकते हैं। लेकिन पहला दो जो है, पहला जो स्टेम से कटिंग करना या फिर डिवीजन करना, ये सबसे पॉपुलर मेथड है, सबसे आसान तरीका है जो नर्सरी लोग में डिवीजन करते हैं। और ये ह्यूमिड एरिया में काफ़ी ये अच्छा ग्रो करता है, जहाँ पर आपको मॉइस्चर बहुत पसंद है। लेकिन डायरेक्ट धूप में आप इसको ग्रो नहीं कर सकते, आपको ये फिर इंडोर प्लांट या हाउस प्लांट्स में बहुत अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे इसका प्रोपागेट कर सकते हैं। ये जो प्लास्टिक बैग है, इसमें हमने ग्रो बैग में ग्रो किया था इसको, करीब हमने 1 साल पहले इसको ग्रो किया था, और इसकी 8 से 10 टहनी इसकी बन गई है। 8 से 10 टहनी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ कैसे इसकी मिट्टी को रिमूव करें। पहले इसको निकाल लें, इसके जो ग्रो बैग्स निकाल के इसकी मिट्टी जितनी संभव हो इसको मिट्टी का जो है पोर्शन वो निकाल दें। और सबसे आसान तरीका है, आप एक बाल्टी में पानी ले लें, पानी भर लें, और इसको जो मिट्टी का जो पुलिंदा है इसको इसमें डाल दें, और थोड़ा सा हाथ को हिलाते रहें, थोड़ा मसलते रहें, सारी जो मिट्टी गल के नीचे चली जाएगी और सारे जो पौधे के रूट्स हैं वो बिल्कुल आपके निकल जाएंगे। बहुत आसान तरीका है, आप करके एक बार करके देखिए, बहुत आसानी से सारी मिट्टी आपकी रिमूव हो जाएगी और बहुत अच्छी तरह से आप इसको डिवीजन कर सकेंगे। अलग अलग जो टहनी निकली है, हर एक के नीचे रूट्स होती है, और आप आराम से इसकी डिवीजन कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे 1-2 मिनट में पूरा बिल्कुल ये साफ हो गया है, सारी मिट्टी पानी में चली गई है। अब मैं इसको निकालूंगा और एक एक करके इसके टहनियों का अलग अलग करके रख दूंगा। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ कि पहले ये कैसे कर सकते हैं इसको। तो ये तो मैं एक ये पहला है, ये कर दिया पहला, और मैं अब तोड़ रहा हूँ ये दूसरा, और ये तीसरा, ये पौधा मैंने अलग किया है, चौथा, और ये आप एक एक करके तोड़ते रहें। ये तो 5 हुआ, और ये 6, 7, ये 7 मैंने टुकड़ा किया है इसका, और 7 डिवीज़न किया है, 7 पेड़ आपके पौधे आप किसके बन जाएंगे आसानी से। बहुत आसान तरीका है, और आप इसको आराम से कंपोस्ट में डाल दें, कंपोस्ट और गार्डन सॉइल, ये 2 मिक्सचर में आप इसको डाल दें, और सॉइल मिक्स होगा 40% कॉम्पोस्ट, 60% गार्डन सॉइल, क्योंकि इसको कॉम्पोस्ट बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने इसको कॉम्पोस्ट ज़्यादा डाला है। एक बार आप कॉम्पोस्ट में डाल के इसको पॉटिंग कर दें, आपको 6 महीने तक, साल भर तक इसको कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको हल्का सा पानी देते रहे, हमेशा मॉइस्ट रखें, ध्यान रखें इसको इंडोर ग्रो करें। हाउस प्लांट के हिसाब से आप आपके डाइनिंग रूम में या बेडरूम में भी ग्रो कर सकते हैं, टेबल टॉप में या डेस्कटॉप में ग्रो कर सकते हैं। और जब पॉटिंग करें तो आप 1/3 जो पॉट है उसको मिट्टी से जो सॉइल मिक्स है उसे डाल दें, फिर इसको पौधे को डाल दें आप। पौधे को डालने के बाद उसमें आप मिट्टी का जो सॉइल का मिक्स है, कॉम्पोस्ट और गार्डन सॉइल का, फिर से आप इसमें डाल दें, और डालने के बाद इसको अच्छी तरह बिठा के इसमें पानी डाल दें, और इसको शेड में रख दें करीब 15 दिन से 1 महीना तक, और बिल्कुल आपका पौधा तैयार हो जाएगा। और फिर 1 साल बाद आपके इस तरह से फिर से 8 से 10 टाइनी आपकी निकल आएगी, और 6 महीने बाद आप इसको बड़े पॉट में 8 या 10 इंच के पॉट में रख दें तो कम से कम 10 आपकी टहनी और निकल आएगी, आपको फिर इसके 10 कर सकेंगे। इसकी बहुत डिमांड है बाज़ार में, ये ज़्यादातर तो थाईलैंड से आते हैं, आप हिंदुस्तान में इसकी करेंगे प्रोपागेशन, बहुत अच्छे चलते हैं बाज़ार में, बहुत अच्छी कीमत मिलती है, और इसके बहुत सारे कलर, पिंक से लेके, रेड से लेके, वाइट से लेके, क्रीम कलर से, बहुत सारे के कलर कॉम्बिनेशन और ग्रीन कॉम्बिनेशन भी आते हैं, बहुत अच्छे तरह से होते हैं। सिर्फ ध्यान रखिए कि आप यदि बैल्कनी में इसको ग्रो कर रहे हैं तो बैल्कनी में इसको आप 2 घंटे से ज़्यादा डायरेक्ट धूप नहीं आना चाहिए, ज़्यादा जो धूप आएगी वो आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट, बहुत पसंद है इसको, बहुत अच्छा ग्रो करता है, बहुत खूबसूरत दिखता है, इसको लो मेंटेनेंस है। तो दूसरा मैं तरीका आपको बताता हूं, ये है कटिंग ऑफ द टिप्स, ये भी बहुत
बहुत अच्छा तरीका है, आसान तरीका है। आप इसमें भी वही सॉइल मिक्स ले, 40% कंपोस्ट और 60% गार्डन सॉइल। और ये पॉट को, इसमें क्या है, पॉट को आप पूरा मिट्टी से पहले भर ले अच्छी तरह से। जब भर लेंगे, भरने के बाद उसमें आप पानी डाल के उसको गीला कर लें, ताकि वो जो पूरा जो मॉइस्चर है वो पूरा मिट्टी गीला हो जाए। तो ये मैंने जो मिक्सचर बना रखा है, सॉइल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, उसमें अच्छा क्वालिटी का कंपोस्ट होना चाहिए। और इसको गमले में, जो भी गमले में आप बना रहे हैं, तो इसमें आप डाल दें, इस पर पानी डाल दें। पानी डाल के पूरी जो मिट्टी है, जो मिट्टी का मिक्सचर है, इसको आप गीला कर लें। गीला करने के बाद इसको थोड़ा पानी को सोखने दें, ताकि वो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर ले। और इसके बीच में क्या है, एक ब्लेड ले और या चाकू ले, तो आप जो प्लांट के जो टिप हैं, जो प्लांट के जो टिप है, उससे वहाँ पर काट लें। और ये तो मैंने एक टिप काट लिया है, और दूसरा टिप में काटने जा रहा हूँ। ये अच्छी तरह से ये जो है दूसरा टिप में काट दें, ये नीचे करीब 1 इंच के करीब स्टेम रख दें, और बाकी का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा काट लें। और ध्यान रखिए, ये आपका बिल्कुल पौधा मरेगा नहीं, जहाँ से काटे हैं, जहाँ से आपने काटे हैं, जहाँ पर छोड़ा है आपने स्टेम, वहाँ से फिर से आपके बहुत सारे स्टेम निकल आएंगे नए ब्रांचिंग होकर। तो ये तो है, मैंने नीचे से एक दो पत्ता हटा दिया, और इसको हमने जस्ट पुश कर देना है, 1 से 2 इंच आपको इसको नीचे पुश कर देना है। पुश करने के बाद मिट्टी को दबा देना है, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देना है, और इसको आप 15 दिन से 1 महीने तक ऐसे ही शेड में रखने दें। ऐसे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप थोड़ा सा पानी डाल दें और इसको रहने दें। और ये 15 दिन से 1 महीने में बिल्कुल इसका पूरा रूट ग्रो हो जाएगा, और पूरा ये पौधा फुल तैयार हो जाएगा। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि 15 से 20 दिन पहले मैंने ग्रो किया था 2 कटिंग, और सिर्फ ओनली कटिंग, इसमें कोई मैंने हॉर्मोन पाउडर वगैरह कुछ नहीं यूज किया, जैसे मैंने आपको दिखाया, जस्ट कटिंग करके इसको लगा दिया था मिट्टी का कंपोस्ट में। अब मैं उसको उल्टा करके दिखाता हूँ कि कैसे उसमें रूट ग्रो हुई है। ये देखिए कितना सुंदर रूट ग्रो हो गया, पूरा रूट ग्रो कर गया, और पूरा पौधा बन गया है आपका बिल्कुल तैयार। तो आप इसको, हम ये जो मिट्टी है, फिर से हम इसको बिठाते हैं दूसरा पॉट में, मैं दिखाता हूँ कैसी रूटिंग हुई है, देखते हैं कैसे रूटिंग है। ये देखिए एक रूट बनी है इसमें, और 15 दिन रख देंगे तो इसमें पूरा रूट से भर जाएगा, नीचे का पोर्शन आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा पौधा, बहुत आसान तरीका है इसको ग्रो करने का। बाजार में बहुत डिमांड है, बहुत कॉस्टली होता है, और सबसे अच्छी बात है कि इसको केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हल्की धूप में रखें या शेड में रखें, और आपका कभी किसी को कभी सिर्फ 2 से 3 दिन बाद आप पानी दे दें, तभी काम हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छा ग्रो करता है, 8-10 ब्रांच हर साल बनते रहते हैं, आपका आराम से ग्रो करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत आसान तरीका। ये जरूर आप रेड एग्लोनेमा या फिर चाइनीज एवरग्रीन या फिर आप लिपस्टिक एग्लोना का नाम से आप पौधा खरीद लीजिए। ये ट्रॉपिकल प्लांट है, आराम से ग्रो कर जाता है ह्यूमिड कंडीशंस में, आप जरूर ग्रो कीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया तो जैसे जरूर लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अगर चाहते हैं आपके यार दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, तो जरूर से शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस पौधे के बारे में पता चले। और अगर आप ये चैनल गार्डनिंग पैसे में नए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आप आगे मेरे सब्सक्राइब कर ले, और मैं आगे चल के बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे कटिंग ग्राफ्टिंग के बारे में, सीडलिंग के बारे में बहुत बताता रहूंगा आपको इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।